हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नमस्ते कनाडा। मैं हूँ रुचिका और मैं हूँ नीरज। और आज हम क्या देखने जा रहे हैं? आज हम एक नई चीज़ ट्राई करने जा रहे हैं, वो है मूवी ट्रेलर। तो हम मूवी ट्रेलर देखेंगे आज, विकास कुमार जी का रिकमेंड किया हुआ, जिसका टाइटल है 83 ऑफिशियल ट्रेलर हिंदी, रणवीर सिंह कबीर खान इन सिनेमाज 24th of December। तो ये मुझे लगता है 1983 वर्ल्ड कप के बारे में है मूवी, और हम इसका ट्रेलर देखने जा रहे हैं आज। तो ट्रेलर देखने से पहले, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम वीडियो के एंड में जो है मज़ेदार डिस्कशन करते हैं, होपफुली आपको वो पसंद आएगी। तो वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए। तो करें फिर शुरू आज की वीडियो। यस प्लीज, लेट्स स्टार्ट। Well, India must be still recovering from the double thrashing they received from the West Indies and Australia. If they win today by a huge margin, they're still in the tournament. If not, so long. Caps, it's two down caps. Na lende menu. That's another one gone. Caps, three down. Kya bachpan hai, just shut up. This is a disaster. चार आउट हो गए। इतने इंपॉर्टेंट मैच में भी सीरियस नहीं होना है, मजाक की भी हद होती है। स्कोर क्या है? 9 रन, 4 विकेट डाउन। वेयर इज आवर टीम बस? नो बस हियर फॉर इंडियन टीम। आराम से मारना चिक्का, नेट प्रैक्टिस है। हमको चुमा टुकु टुकु खेलने नहीं आता है। और कपल ऐसे समझा दे, मैं सर पे मार देनी बहुत। रैन तो मद्दी पर नहीं आती उसे डिफेंस। चिक्के उधर क्वीन को आग मत मार देना। श्रीकांत बेस्ट प्लेयर। ओए बल्लू, इसे बोल कल तुझे देख लूंगा। बाल सुनो, ए क्या बोला था? कल तुझे देख लूंगा। सी यू टुमारो। कल बड़ा मैच है ना? सिद्धू एंड टाई। You mean do or die? So now in 1983 we come here and our captain says we'll beat the West Indies. Hey, kya pagal ho gaya re hamara captain? Gentlemen, line up, please. Everybody, look in the lens. What do you think are your team's chances in the cup? We here to win. To win the World Cup. What as we here for? I don't think the Indians can quite see the ball. It's moving too fast for them. India in big trouble now. 2 wickets down in quick succession. एक के बाद एक बल्लेबाज। मैच खत्म, वर्ल्ड कप खत्म, कप्तान खत्म। ओ एक मैच तो जीत के जाओ, एक। 35 साल पहले हम लोग आजादी जीते, मगर इज्जत जीतना अभी बाकी है कप्तान। ग्राउंड के बाहर हमारी लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, जब हम ये यूनिफॉर्म पहनकर ग्राउंड में उतरते हैं तो हमारा एक ही मकसद होता है, जान लगा के देश के लिए खेलना। आई से बिफोर वी हियर टू विन। तो कैसा लगा फिर ट्रेलर रुचिका? ट्रेलर तो अच्छा लग रहा है देखने में। लग रहा है कि मतलब पूरा क्रिकेट पे ही ऑब्वियसली मूवी है ये, और बीच में थोड़े जोक्स वगैरह भी उन्होंने इंसर्ट किए हुए हैं। आई थिंक अच्छी होगी मूवी, लग रहा है। और कॉस्ट्यूम वगैरह भी उन्होंने ऐसे डाले हैं कि लग रहा, मतलब कॉस्ट्यूम नहीं बोलूंगी मैं, कि मतलब हेयर स्टाइल वगैरह उन्होंने ऐसे किया है कि लगता है कि जैसे कि उस जमाने की टीम है, और कपिल देव जैसा मेकअप करने की कोशिश की है। और मैं एक चीज, आई थिंक मैंने कभी भी डिस्क्लोज नहीं किया, ये कपिल देव इज वन ऑफ माय फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन।
नॉट बिकॉज ओनली ऑफ कि उन्होंने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता, उनका एटीट्यूड मुझे बहुत पसंद है. मैंने उनकी काफ़ी सारी इंटरव्यू सुनी है और उनका जो एटीट्यूड है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है. आई डोंट नो कि आप लोगों को, कुछ लोगों को पता होगा, मोस्टली क्रिकेट फैंस को तो पता ही होगा कि जो IPL है, इंडियन प्रीमियर लीग, इससे पहले उन्होंने एक लीग शुरू की थी जिससे इंस्पायर होकर IPL शुरू हुई. तो काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है उनकी, जो भी आप समझते हो, लेकिन उनकी जो इंडियन टीम को वर्ल्ड कप जिताने की कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सबसे बड़ी है, क्योंकि इंडिया उस समय अंडरडॉग्स था, अंडरडॉग की पोजीशन में था. और मैंने जैसे इसमें वेस्ट इंडीज़ की उन्होंने टीम दिखाई, तो वेस्ट इंडीज़ की टीम बहुत खतरनाक टीम थी उस समय पे. मतलब इट वॉज श्योर कि वेस्ट इंडीज़ की टीम जीतेगी, मतलब वन ऑफ द फेवरेट्स थे वो. और वो पीछे आई थिंक पहले वर्ल्ड कप जीत चुके थे पिछले वाला उससे, और उसमें डेंजरस बॉलर्स थे. और ये इंडियन टीम का कोई दूर दूर तक भी अंदाज़ा नहीं लगा रहा था कि ये जो है वर्ल्ड कप जीत पाएंगे. वर्ल्ड कप जीतना तो बहुत दूर की बात, ये कुछ मैच जीत पाएंगे. और मुझे वो पंजाबी डायलॉग बीच में बहुत अच्छा लगा, कोई तो जीता हो, एक मैच तो जरूर जीत के आए हो. और हाँ, मोटिवेटिंग देम. और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, एमी विर्क को देख के मज़ा आ गया. हम एमी विर्क के गाने सुनते हैं, पंजाबी सिंगर है अगर किसी को नहीं पता, तो जो सरदार इन्होंने दिखाए हैं बीच में, जिनके पगड़ी, पगड़ी कम में दिखाया और पटके में ज़्यादा दिखाया, उसको पटका बोलते हैं, जो पगड़ी नहीं होती लेकिन ऊपर सर पे बांधा जाता है, तो वो देख के मुझे मज़ा आ गया. एमी विर्क को बीच में लिया है, मुझे एमी विर्क की एक्चुअली एक्टिंग बहुत पसंद है. पंजाबी फिल्मों में भी, उनकी पंजाबी फिल्में भी देखी हैं हमने, मज़ा आता है पूरा. और अभी चले गए बॉलीवुड में, अब देखते हैं कि इस मूवी में कैसी एक्टिंग उनकी देखने को मिलती है. हम बॉलीवुड मूवीज़ बहुत कम देखते हैं, यूजुअली नहीं देखते, लेकिन हमें ये फरमाइश आई थी, और सिंस ये 1983 वर्ल्ड कप के बारे में थी और कपिल देव जी को एज अ ट्रिब्यूट के लिए हमने ये ट्रेलर देखना ज़रूरी समझा. तो उम्मीद करते हैं कि ऑडियंस को ये मूवी और इसकी स्टोरी लाइन जो है वो पसंद आएगी. हर एक की एक्ट्रेस की पसंद नापसंद अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट मूवी का है और जिस चीज़ के लिए ये डेडिकेट की गई है, मुझे वो मकसद जो है वो यूज़फुल लगता है, और इससे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलेगी बाकी यूथ को भी. इट्स नॉट ओनली अबाउट स्पोर्ट्स कि आप क्रिकेट में एक चीज़ प्राप्त कर लिया आपने. आप गोल देखिए कि गोल एक इतना टफ गोल है, वर्ल्ड कप जीतना, और उसको, और वैसा वर्ल्ड कप जीतना जिसमें आपको कोई वैसे ही आपकी टीम को वैल्यू नहीं कर रहा, अंडरडॉग पोजीशन में है तो उस समय पे, हाँ, जब आपसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा, इवन आपके कंट्री में ना आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, तो उस समय पे टीम को बांधना, उनको हिम्मत देना और लीडरशिप क्वालिटीज को एक्सप्रेस करना, शो करना, और अंडरडॉग से जो है विनर बनना, ये बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है. एंड दैट थॉट इज व्हाट आई लाइक अबाउट दिस. यस यस, आई थिंक यस, इट वुड बी रियली मोटिवेटिंग फॉर ऑल द पीपल जो भी उनको देखेंगे, जिनको मैच पसंद है. और बाकी आप जिनको क्रिकेट नहीं भी पसंद, कईयों को होता है कि कोई कोई और गेम ज़्यादा फेवरेट होती है उनके लिए भी, या कईयों को सिर्फ पढ़ना लिखना ही पसंद होता है जैसे, तो उनके लिए भी कि अपनी फील्ड में कई बार हम फील करते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है या हमारे पास वो पहुंच नहीं है अपने आप को प्रूव करने की, लेकिन अगर आप कंसंट्रेटेड एफर्ट करें और आप थोड़ा सा जज्बा रखें तो आप उसको अचीव कर सकते हैं. और ये मैच वगैरह, क्रिकेट वगैरह बहुत कम देखती हूँ, बट आई थिंक ये मूवी अच्छी होगी, इससे पॉजिटिव आई थिंक मैसेज मिलेगा. तो अगर हमें मौका मिला तो डेफिनेटली हम भी मूवी देखेंगे. जरूर, हम बहुत कम बॉलीवुड मूवीज देखते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया, लेकिन हमने होटल मुंबई देखी थी रिसेंटली, जो मुंबई हमले के बारे में थी, और अब कोशिश करेंगे अगर ये भी हमें अवेलेबल हुई तो ऐसी मूवीज जो इंस्पिरेशनल होती हैं या जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पे बेसिस होती हैं, वो मीनिंगफुल मूवीज देखने में मजा आता है. लेकिन अदरवाइज जो मसाला बॉलीवुड टाइप है, मतलब ठीक है, आजकल क्वालिटी काफी डाउन हो गई. हाँ, तो वो ठीक है, कईयों को बहुत, वो भी बहुत पसंद होगी, वी रिस्पेक्ट दैट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी अपनी चॉइस है. yes. तो उस हिसाब से वी वॉच दैट. होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप भी अगर आपको ये थीम पसंद है मूवी का तो आप ज़रूर देखेंगे, इसको एंजॉय करेंगे. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको थम्स अप ज़रूर कीजिए. अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए. हम नहीं हटेंगे, हमारे में वही जो है इंस्पिरेशन है, वही जज्बा है, हम लगे रहेंगे. yes. जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, हम वीडियो बनाते रहेंगे, आपको रिक्वेस्ट करते रहेंगे और आपको मना के छोड़ेंगे. तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए. अब हम आपको मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. बाय बाय. Thank you.